झारखंड की धरती आबा बिरसा मुंडा जयंती और अपना 23वां झारखंड स्थापना दिवस मना रहा है। झारखंड के गठन उपलक्ष्य में हर साल 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में माना जाता है। यह दिन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के साथ मेल खाता है। वहीं इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए सरकार में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इन 4 सालों में राज्य विकास की ओर है। पिछली सरकार ने जो काम नहीं किया वह हमने करके दिखाया। इस दौरान मंत्री आलमगीर आलम की ओर से चलाई जा रही कई योजनाओं की जानकारी भी दी। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने भी कहा, वर्तमान सरकार की खूब तारीफ करते हुए सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है और 23 साल का झारखंड नई राज्य का सृजन हुआ है और 15 नवंबर हम लोग हर साल स्थापना दिवस मनाते हैं। इस बार भी हम लोग मनाएं और हमारे 4 साल के जो कार्यकाल है उसको अगर हम देखें तो पीछे की जो सरकार थी वो जनहित में जन समस्या का जितना निष्पादन करना चाहिए था उतना नहीं कर पाई। आज हम देखते हैं कि गांव में 70-80% लोग रहते हैं जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनके लिए सरकार ने एक नहीं अनेक योजना चलाया। फिर हम लोगों ने सड़क बनाने की काम किया ताकि उसको उसका अनाज का जो है सही जो है मूल्य मिले उसके लिए। फिर हमारी सरकार ने फिर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत उन बच्चों को उन क्या बोलते हैं जो लोग विद्यार्थी हैं या जो लोग आपका चिकित्सा के लिए दूर नहीं जा पा रहे हैं, जो जिला नहीं जा पा रहे उनके लिए गाड़ी की योजना देने की व्यवस्था किया फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये एक नहीं अनेक उपलब्धि है इस सरकार की और हम मुझे लगता है कि ये सरकार संवेदनशील सरकार है और जनता के हित के बारे में सोचकर काम करती है। ये सारा चीज़ जो यहाँ से आरंभ हुआ आज पूरी दुनिया उसे देख रही है और जान भी रही है कि हमारे यहाँ के जो पूर्वज रहे हैं उनके पास पर्यावरण की रक्षा का जो मूल मंत्र रहा है वो आज पूरी दुनिया उसको मान रहा है, क्योंकि विकास का जो पश्चिमी मॉडल है वो तबाही ला रहा है। तो यहाँ की संस्कृति को बचाना बहुत ज़रूरी है, यहाँ के लोगों को बचाना ज़रूरी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी लगातार प्रयासरत हैं और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र में वो यहाँ खेल में महिलाएं बहुत आगे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए रोजगार में आपने देखा होगा कितनी सारी नियुक्ति पत्र कितना बांटा गया और सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है ताकि लड़कियां पढ़ाई ना बंद करें गरीबी की वजह से, मानव तस्करी का शिकार ना हो, ऐसे बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने लॉन्च किया। और उनका सपना ये है कि हमारा झारखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ जितनी खनिज संपदा है उससे हम पूरे देश को सप्लाई करते हैं। 42% खनिज संपदा है देश का यहाँ पर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं और सबसे गरीब क्यों है, नीचे से दूसरे नंबर पे है झारखंड। तो ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि झारखंड सबसे समृद्ध राज्य बने, सबसे अव्वल राज्य बने और उसके लिए वो प्रयासरत हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा झारखंड कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि भारत के नक्शे पे ये कहाँ पर होगा। मेरी ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।